मेरी बहन पहले भी आई हुई है, आपने देखा भी होगा, पहले भी आई हुई थी, थोड़ा इनके पैर में फ्रैक्चर वैक्चर हो गया इसलिए नहीं आ पा रही है। तो इनको बहुत धन्यवाद करती हूँ, आंदोलन को समर्थन करने के लिए आई हुई है, गौरी इनका नाम है और ये किन्नर समाज से बिलोंग करती हूँ। और आज इन्होंने स्टेज पर भी जो आई हुई थी और हमारी बहनें, तो उन्होंने आज स्टेज पे भी बोला था, तो मैं दूर से गाड़ी में आ रही थी तो उनकी आवाज़ सुन के मैं बोलने लगी कि आज हमारे किन्नर समाज के लोग आए हुए हैं। बाद में जब थोड़ी देर बाद पता चला कि हाँ किन्नर समाज के हैं, बड़ी खुशी हुई। सारा समाज, सभी धर्म आए हुए हैं यहाँ पे, ये भी आज आई हैं आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए। मैडम आ तो सब रहे हैं, प्रधानमंत्री तो सुन ही ना रहे। अरे सुनेंगे भैया, सुनेंगे नहीं सुनेंगे आप बताइए, क्या नहीं, क्योंकि हमने उन्हें बनाया ना, उन्होंने थोड़ी बनाया, सुनेंगे बिल्कुल सुनेंगे जी। मुनमुन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देखे, हमारा कोई दायित्व नहीं है, हम कोई आदेश नहीं देंगे। क्या गेंद इधर से उधर फेंकी जा रही है? देखिए जो गेंद फेंकी जा रही कोई बात ना, वे अपनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। गेंद फेंकना अगर वो समझते हैं इस बात को गेंद फेंकी जा रही है, तो वो जो इस बात को भी समझ ले, मैं दिल्ली पुलिस में होने से पहले, वे मेरे भाई भी हैं, उसमें कुछ मेरे गांव इस्माइलपुर के भी हैं, मेरे उत्तर प्रदेश के भी हैं, मेरे भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से कुछ लोग भी हैं, तो वो दिल्ली पुलिस में होने से पहले एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। मान जाइए ना, 26 जनवरी को परेड करने की क्या जरूरत है? अरे लाली, अरे लाली, ये मान जाएंगे हमारे किसान नेता, हमारे बुजुर्ग, हम भी मान जाएंगे, मैं अलग हूँ किसी से, ये ना जाने के मैं भी ना जाऊंगी, मैं मान जाऊंगी, मैं अलग थोड़ी हूँ भाई, मैं इनका सहयोग करती हूँ, इनका निखाती हूँ, इनके अन्न पे मेरी जिंदगी चलती है, क्योंकि मैं पेट में रोटी खाऊं, वो नहीं खाती, रोटी खाऊं, तो जिस दिन ये मान जाएंगे तो मैं भी मान जाऊंगी। महिला सांसद कह रही है बीजेपी की, कहीं ने समझ नहीं आ रहा कौन सी हेमा मालिनी, अरे हम तो उनसे देखिए, हम हो सकता है उम्र कम है, तजुर्बा कम है, बाढ़ आ गया, जाग कहते हैं जी मैम आपके, माननीय सांसद जी आइए हमें भी थोड़ा समझाइए, क्योंकि हमारे बाबा जी भी अभी बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं हम अब मास्टर से मिलना चाह रहे हैं जो हमें यहाँ बिले समझावेगा, तो हम जो माननीय सांसद जी जो मथुरा से हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आपके बच्चे हैं थोड़ा समझिए, हो सकता है कि हमें दो बात समझ नहीं आ रही हो, तो आप आए हमारे बीच में और हमें भी समझाएं। पूनम जी थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सरकार मान लेगी, देखिए ये मान लेंगे, देखिए मैं अलग नहीं हूँ, मैं इन लोगों से अलग नहीं हूँ, अगर ये मान लेंगे जितने मेरे बुजुर्ग हैं, जितने किसान मेरे बड़े भाई नेता हैं, जितने भी मेरे अंकल जी हैं, ये मान लेंगे तो हम भी मान लेंगे, रास्ता दो, मेरे लाइसेंस आ रहे हैं जी, जी आ जाओ। आज भी वार्ता फेल हुई तो किसान कब तक ठंड में बैठा रहेगा? बेटा फेल होगी क्या, बता तो दे मुझे ना, अभी ना हुई, अभी चल रही है बैठक, तो आपको पता रहा कैसे अंकल ने कही कोई कूलर वूलर का इंतजाम करके, यही कोई दिक्कत ना कही ना, नंबर टिकेंगे आप लोग, जब हमारे जो हमारे नेता हैं बड़े बड़े, ठीक, इतनी इतनी उम्र के, वो हमें इतनी हिम्मत देवे, युवाओं को इतनी ताकत देवे और हमारे महिलाओं को इतनी ताकत देवे, तो हमें कहाँ फत आ रही है रुकने में, कोई दिक्कत आ रही है हमें, तो कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी ना, इतनी बार भरोसा किया एक बार और कर लो, इतनी बार घना कर लियो लाली, घना कर लियो, ज्यादा कर लियो, भगवान की कसम ज्यादा कर ली भरोसा, मैं तो 2022 तक काय को देख ले, बधुआ बन जा मैं, और जो भी फायदे अगर होते तो ये देश का अन्नदाता सड़क पे ना होता। दूसरी बात, अगर उन्हें हमारी इतनी चिंता इतनी फिक्र है तो यह मैटर को सुलझा मैं जल्दी से जल्दी, जो राय तो फैल रही हो संगमा में या खत्म करके हम भी अपने घर जावे, वे भी देश में इतना नुकसान हो रहा है, आप पे ध्यान दें। वो तो कह रहे सुलझा रहे हैं, ये किसान मान ही रहे हैं, अड़े हुए हैं, अरे हम काय को अड़ते, लाली बिल ये लेके आए, अड़ ये रहे जबरदस्ती भाई, हम काय को अड़ते, अड़ तो ये रहे, बिल लाने का काम इनका ही है भैया, इन्होंने पूछ के लेकर आए हमारे बिल, हमसे पूछ के लाए, हमारे मुद्दे की बात, हमारे किसानन की बात, इनसे पूछ बाबा तुम्हारे धरा है कोई पूछना, इनका घुमाओ कैमरा, कौन सा कृषि विशेषज्ञ है, वो आज बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है, कुर्सी के लालच में बोलने को तैयार नहीं है, उन विशेषज्ञों से पूछा, इन विशेषज्ञों से पूछा था, इन्हें पता आलू कैसे बुआ है, इन्हें पता हल कैसे चला है, इनसे पूछा, इन्होंने है ना प्रैक्टिकली कर रखी, ना कि कागजों से रखी, बाबा प्रैक्टिकली कर रखा खेती, जन्मजात इंजीनियर है बाबा, बताओ पीएचडी कर रखी हमने, पीएचडी कर रखी, सुन तो लताओ बाबा, मंत्री सामने जिसे भेजा, जिसे भेजा पानी काटने, दखन के खेत में कटेगा, जो कहे किसान का बेटा तो काट आया, पछा के खेत में बोया होया, खेत भरी आया, यो कृषि मंत्री यो ही काम कर रहा है। मैडम ये जो बात है वो तो ठीक है जी, ठीक है, पक्का ठीक है, चलो बढ़िया, वे मान गए बात सही है, कृषि आप मान गए, आप मान गए, मैं क्या कह रहा हूँ जी, गोल है मेरी बात जी, गोल है, गोल क्यों, गोल नहीं करो भाई, गोल नहीं, गोल करके तो मोदी नहीं परेशान कर दिया, ये तो पेट घुमा घुमा के हिंदुस्तान घुमा दिया, गोल गोल घुमा के, आप मत घुमाओ, अनुरोध है आपसे बड़े भाई, आप तो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि
कि आप सच से रूबरू करा रहे हैं। घर घर तो आएगी नहीं, घर घर सरकार जाएगी क्या? एक आदमी से पूछने की हम कानून ला रहे हैं। अरे एक बात बताओ, रुको एक मिनट, सुनो एक मिनट, चलो आप बोलिए। अरे बोलना, लेकिन जो अभी 700 चौपाल लगने वाला सिस्टम जोड़ा, फिर यू काय को जोड़ा? ये तो काय को जोड़ा? आप लोग नहीं मान रहे इसलिए जोड़ा है ना। अरे हम तो जब भी ना माने, हमें थोड़ी पता रात रात में पास हो जाएगा, तो आ जा, मैं समझा दे इन्हें। अरे इन्हें समझा दे, मैं इन्हें समझा दे। आज तो देख खट्टर साहब समझाने भगा दिया आपको। समझाने आए वे तो या काम को जो वे करने आए ना, पहले आते जब ये बिल लागू हुए, पहले करते हम स्वागत करते हैं उनका, पूरे अच्छे तरीके से सम्मान करते हैं। और जैसा सम्मान करो उन्हें वह पद पे बिठा के करो ना सम्मान, तो ऐसे ही करते। और दूसरी बात आपको बता दूं, इतना जो किसानों ने इतना सिस्टम खराब नहीं करा, उनके अपने लोगों ने करा, किसानों को बदनाम करा, किसान किसी का नुकसान नहीं करता। लग रहा है कानूनों की लड़ाई कम ज्यादा है, मूंछों की लड़ाई ज्यादा होगी दोनों? ऐ भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये हक की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, ठीक है? ये मूछ वाला सिस्टम कहाँ से होगा? कोई अगर किसी और से लड़ाई होती तो मूछ वाला सिस्टम हो, ठीक? हमारे लिए तो वे मान रहे होंगे इस बात को, मूछ वाली भाई, हमारे तो अधिकार की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। लेकिन आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, वो कह रही है कि कानून पे रोक लगा दिया, घर चले जाइए। अरे लाली, सुप्रीम कोर्ट ने नू थोड़ी कही किसान आंदोलन न कर सके, सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कही किसान धरना न धर सके, सुप्रीम कोर्ट ने यू थोड़ी कही कि ये घर चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कही कि जबरदस्ती इन कानूनों ने मान लो, ये थोड़ी कही सुप्रीम कोर्ट ने। जो उन्होंने कहा उनकी बात को सराहना करते हैं, बड़े हैं वो भाई, जिम्मेदारी जताना तो उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कमेटी की बात सुनिए, कमेटी से बात करिए, क्योंकि फैसला तो लेना है हमें, लेना है कमेटी को नहीं लेना था। अरे भैया एक बात बताओ, ये जो कमेटी में मेंबर हैं उनकी बात चल रही है क्या? अब जो पीछे सी 14 दिन में पेमेंट करने को कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, कही नहीं कही? कही ना बाबा, 14% ब्याज 14 दिन के बाद कही। अब इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, और हम तो पूरी बात का उनका समर्थन भी कर रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे, आराम से कर रहे हैं आंदोलन, कोई हमें व्यवस्था थोड़ी खराब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो व्यवस्था है वो खराब ना हो, किसान आंदोलन कर सके, तो हम कर रहे हैं। और कैसे माने भैया, कैसे माने? समिति बनाई, समिति में जब ये मेरे बुजुर्ग ना माने, मैं स्पेशल हूँ? और वे आदमी सरकारी, और वे आदमी वे है जो इस बिल का समर्थन करते हैं, तो जो समर्थन वाले लोग हैं उन्हें कहा लेने की जरूरत थी? तुम सुन लियो भैया, तुम सुन लियो, मैं तो इनसे ऊपर नहीं होने की मेरी तो औकात नहीं, मैं जनता जनार्दन सर देश का अन्नदाता से ऊपर हो जाऊं, तुम सुन लियो, तुम फोन पे बात कर लियो उनसे। जनता ने तो चुनी सरकार ने। अरे सरकार चुनी है, हम कद कह रहे ना चुनी, हमने गलती कर दी, चुन ली हमें तो ऐसे ऐसे बाबाओं ने मना करी। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे कह के गए थे कि ये सरकार आवेगी तो किसानन का नुकसान होगा, हमने नहीं मानी इन बाबाओं की बात, हम भी तो कमी कर गए, हमने युवाओं ने हर हर मोदी घर घर मोदी करी, अब हमने हमें गलती कर दी, या बात पे कोई मुकदमा बन रहा मेरे पे के या नहीं, या सरकार को वोट दी? ये विरोध है ना सरकार के खिलाफ नहीं है, ये विरोध इन कानूनों के खिलाफ है, या बात को ध्यान रखे आप लोग। 4 साल बाद फिर वोटिंग होनी है, चुनाव होना, 4 साल इंतजार कर लेंगे हम, कद मना कर रहे हैं? हमने मना करी भैया, भाई हमने मना कर थोड़ी करी, हमने तो कही हमारे किसान अंकल जी राकेश टिकैत जी ने भी कहा, अंकल जी ने भी, एम सिंह और भी लोग हैं किसान नेता बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कही है ना, कोई बात ना, हम तो 2024 तक बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है, हम कद मना कर रहे बैठने को, हमने मना थोड़ी कर। यही बैठेंगे, यही बैठेंगे, अरे कूलर भी लगेंगे अंकल जी, इंतजाम करवा रहे, आज सुनने माई बात, आज सुनने माई एसी भी आएंगे अंकल जी ने बताई, आज सुनने माई एक रिपोर्टर भाई ने बताया कि राकेश टिकैत जी कहते हैं कूलर लगेंगे। भैया एक मिनट, हम बिल ना देते, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा बिल है बिजली का, यह बात ध्यान रखियो, बिल ना दे रहे हम, कोई आप बता रही है काय को काट देंगी, काय काट देंगी, यू बिल जो यू बिजली जो है किस लिए हो, किस लिए हो? इस्तेमाल करने के लिए, देश की जनता को सुविधा हो इसलिए हो, काय को काट देंगे बिजली, कारण बताओ क्यों काटेंगे, किसने अधिकार दिया बिजली काटने का, किन्ने दिया, तुमने दिया? जब गड्ढे खोद सकते हैं, पत्थर लगा सकते हैं, इस बात का भी हिसाब लिया जाएगा, जो सरकारी प्रॉपर्टी खराब करी है, जो सरकारी प्रॉपर्टी खराब करी है, राष्ट्रीय राजमार्ग को खराब करा, इस बात का हिसाब लिया जाएगा, तनक निमट लेंदो इस आंदोलन का, लिया जाएगा बिल्कुल। और जो आम व्यक्ति पे जो मुकदमा बनता है सरकारी प्रॉपर्टी को खराब करने में, उन पे भी वही मुकदमा लगेगा, जब देखा जाएगा कि जनता को और नेताओं को किस नजर से देखती है सरकार। योगी जी तो कुड़की कर रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति खराब कर रहे हैं ना, तो अनुरोध करते हैं आप के जो खट्टर साहब हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि अगर योगी जी ऐसे करते हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टी खराब कर रहा बिल्कुल उनकी कुड़की करनी चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान जो हरियाणा में भी लगाओ खट्टर साहब के पास, अनुरोध है मेरा माननीय मोदी जी से।
है।